ये हम पढ़ते आ रहे हैं, पर ऐसा क्यों होता है उसके बारे में समझते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है, देखो स्क्वेयर, स्क्वेयर शेप तो आपको पता ही है ना, एक स्क्वेयर ही होता है। ओके, तो मैं एक लाइन मान लेता हूं, एक लाइन है, मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है ए, और ये पार्ट क्या है इसका बी। तो टोटल लेंथ क्या होगी इसकी, टोटल लेंथ होगी इसकी ए प्लस बी, है ना। ओके, अब मुझे चाहिए क्या, ए प्लस बी स्क्वेयर, यानी ऐसा स्क्वेयर जिसकी साइड क्या है, ए प्लस बी है। तो ठीक है, ये ए प्लस बी साइड है, इसको ही हम स्क्वेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, चलो मैं इसको फिर ऐसे कर देता हूं। ओके, अच्छा अब ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड भी क्या होगी, a प्लस बी होगी, है ना। ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी। ओके, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, तो ये पार्ट क्या हो गया, a हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, b हो गया, ये पार्ट हो गया a, और ये पार्ट क्या हो गया, b हो गया, है ना। ओके, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का एरिया क्या होगा, देखो इसकी लेंथ क्या है a, इसकी जो विड्थ है वो भी क्या है a, तो यानी कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा a स्क्वायर, है ना। ओके, अब इसका एरिया क्या होगा, ये वाले एरिया, देखो इसकी लेंथ है a, विड्थ भी क्या है, लेंथ है b, विड्थ भी b, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा b स्क्वायर, है ना। ओके, अब ये जो है ये एक रेक्टेंगल है, देखो लेंथ है बी, विड्थ है ए, है ना, तो एरिया क्या होता है, लेंथ टू विड्थ, तो यानी इसका एरिया क्या होगा, ए बी, ए मल्टीप्लाई बी। ऐसे ही इसका एरिया क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि ये जो ए प्लस बी वाला स्क्वायर है, इसके जो कंपोनेंट्स कर दिए, तो उनका एरिया क्या है, ये सिंपली इनको प्लस करो, देखो ए स्क्वायर, और ये क्या होगा, टू ए बी, और ये बी स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आया, एक स्क्वायर है कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहीं पे देखो एक स्क्वेयर है कौन सा, a प्लस बी लेंथ का, तो उसका जो सम होता है वो किसका है, a स्क्वेयर टू ए बी, देखो ए बी प्लस ए बी, टू ए बी और b स्क्वेयर, इसीलिए क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर।